यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर तुम्हें हवलदार मोहम्मद अली के सेक्शन प्लेटून को ज्वाइन करना है। आगे के ऑर्डर्स वही देंगे। अपने कान और आंखें खुली रखना, क्योंकि यहाँ के आतंकवादी बोडोज बहुत ही खतरनाक हैं। कोई शक? नहीं सर। और हाँ, ये प्लेटून के खात उन सबको दे देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। घना जंगल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रखा हो। कितनी खूबसूरत जगह है ये। कौन हो तुम? बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना। मैं सिपाही तरुण चौहान, 101 बटालियन बीएसएफ। गलत, तुम सिपाही नहीं बल्कि एक बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से फंस गए। अब बताओ कौन हो तुम? एक बेवकूफ। और मैं तुम्हारा प्लेटून कमांडर हवलदार मोहम्मद अली। सर। और यह है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। ट्रेनिंग के वक्त क्या सिखाया गया था? किसी भी हालात में अपने हथियार को अपने से अलग मत होने देना सर। खच्चर कहीं का। नीचे आओ। सर। वो क्या है सर, आपने जाल ही इतना अच्छा बिछाया, वरना मेरा पैर कभी नहीं फंसता सर। ये मैंने बोडो दुश्मन से सीखा, अब उनके जाल से उन्हीं को फंसाता हूं। बंदूक और राशन की थैली सामने रखकर। वैसे तो चाइनीज हथियार बहुत है इनके पास, लेकिन हिंदुस्तानी हथियारों को कब्जा करने में इनको कुछ ज्यादा ही मजा आता है। पता है इस तरह कितनों को लटका के मारा? कितनों को सर? 13। दुश्मन इस जंगल और जमीन को हमसे बेहतर जानता है। अगर तुम्हें जिंदा पकड़ लिया तो पहले तुम्हारे कान काटेगा और उसकी माला बना के अपनी प्रेमिका को तोहफे में दे देगा। एडिक डार्लिंग, मैं तेरे लिए की लेके आया। जय सिंह। जोसेफ। तरुण जी। दुश्मन पंछियों की आवाज में भी बोलता है। उनका कमांडर इस आवाज में बोलेगा। अगर उसने इससे नीचे का सुर पकड़ा तो वो कोई सवाल पूछ रहा है, और अगर उसने अपनी आवाज ऊपर की ओर खींची तो वो हमले के लिए ऑर्डर दे रहा है। और इस आवाज में दुश्मन के सिपाही उनके कमांडर को आवाज देंगे। समझा? वो आवाज यहां से बोडोज ही नहीं पंछी भी हैं। ये बेस कैंप है, यहां तुम्हें दो काम करने हैं। एक जिंदा रहो और दूसरा खाना बनाओ। और आज के लिए चिकन तंदूरी, आलू गोभी, दाल फ्राई और रुमाली रोटी से काम चला लेंगे। हम सीरियस से बोल रहे हैं और ये हंस रहे हैं? सर खाना जरूर बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और वो शर्त मैं बताता हूँ। पसंद नहीं आया तो 11 जनों का खाना पूरा तुम्हें खाना पड़ेगा। भीकू आओ, सबसे मिल लेते हैं। साथियों, ये हमारा नया बंदा तरुण चौहान जसपाल की जगह आया है। जसपाल का ट्रांसफर हो गया? जी हाँ, ऊपर। ऑर्डर्स इतनी जल्दी पास हो गए कि पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं गया, एक खून भरी शर्ट के अलावा। चिट्ठियां लाया था। चिट्ठियां? अरे क्या बात है, चिट्ठियां। ये ले पकड़। रेड्डी, सोलंकी, ये ले। तेरे लिए भी आई है। जोसेफ, ये ले। थैंक यू। फैज, ये तो मेरी है। अरे क्या बात है। आइए और ये बैठिए यहाँ। ये ऐसा ही है, दरअसल अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तभी तो उसके भेजे हुए खतों को पढ़ नहीं पाता। जोसेफ, और 6 महीने बाद जब जवाब देता है तो लिखता है, मेरी प्यारी बीवी, मुझे तुम्हारी कंप्लेन नंबर 2453 मिल गई है।
और मैं उस पर बहुत जल्द एक्शन लेने वाला हूँ। जोधा चुप। वो क्या है ना कि मैं जवाब दो चार महीने बाद ही देता हूँ, तब तक प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्यों खामखा क्यों टेंशन पालने का? दीक्षित तरुण। हेलो, आजा भाई आजा बैठ। कुड़िया परिया छोरिया। कुंवारा है ना बेचारा, अभी तक कुछ किया नहीं, किताबों में ही अटका है। एक बार उसको उधर लेकर गया था, शर्माकर वहां से भाग निकला। किताबों के साथ साथ बस अपना हाथ जगन्नाथ। सबसे पहले प्यार होना जरूरी है सर जी, प्यार के बगैर ये सेक्स वेक्स सब बेमतलब है। चुप है। अबे तुम लोग जवानी के नाम पे कलंक हो कलंक। मेरा बेटा है ना इसी उम्र का है, 13-13 लौंडियां घुमा रहा है। हाँ। और मेरा पुत्र भी कोई काम नहीं है। अच्छा एक बार मेरा बेटा मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का फर्क समझा रहा था, कहता है डैडी प्यार में केमिस्ट्री होती है और सेक्स में फिजिक्स। ये आजकल के लौंडे भी ना। आप लोग सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं? इससे अच्छा कोई टॉपिक है तुम्हारे पास? ये जंगल, ये वादियां, ये खूबसूरती, जब असलियत सामने आएगी तो भूल जाओगे इन वादियों का चक्कर। यहाँ हफ्तों तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक खून की नदियां बहती हैं, कुछ उनके लोग मरते हैं, कुछ हमारे दोस्तों के टुकड़े देखने पड़ते हैं। सच्चाई किसे चाहिए, इसलिए जब तक हो सके हम अपनी झूठी दुनिया में जीना पसंद करते हैं। दिल टूट गया थोड़ा सा, चलो इसे पूरा ही तोड़ देते हैं। बोल यहां तू लड़ने के लिए क्यों आया? देश की सुरक्षा के लिए, देशभक्ति से। देश के लिए जो भी लड़ने आता है दूसरे दिन ही भाग जाता है, क्योंकि जब गोलियों की बौछार होती है तो किसी देश की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र होती है। सच तो यह है कि तूने कर्ज लिया है 100 करोड़ भारतवासियों से, इसलिए तू मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। तेरी बंदूक, तेरी वर्दी, तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे खून से चुकाना है। जैसे जैसे तू दुश्मन को मारता जाएगा तेरा कर्ज मिटता जाएगा, और जिस दिन तेरी जान गई समझ भी आज भी चुक गया। अब सेक्स की बात करें, दिखा इसको। वो सोचने का काम बाद में करना, आज से ये तेरा हेडक्वार्टर है, ये बर्तन, ये राशन। चलो शुरू हो जाओ, बहुत भूख लगी यार, कमान बका।